बेसिकली मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन में जून में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। बचपन से एक्टिंग थोड़ा सा करना चाह रहा था, लेकिन पारिवारिक कारणों से कभी मौका नहीं लगा। और यहाँ जब मैं आया तो मैंने सर्च किया और मुझे क्रिएटिव करेक्टर के बारे में मालूम चला। फिर यहाँ के क्वेरी करी और मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। पहले एक्टिंग मुझे बस लगता था कि ऐसे ही है, और पहले जो फिल्में थी 60s 70s या 80s की, या कभी भी जो मैं देखता था, सिर्फ एक्टिंग देख के ये लगता था कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत इजी चीज़ होगी। लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्टिंग सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत आसान है, लेकिन हाँ यहाँ जो ट्रेनिंग देते हैं उससे काफ़ी सहूलियत मिलती है और आसान बनाते हैं। यहाँ पे समर सर हैं और रुपेश सर हैं या विजय सर हैं, ये लोग इतना एक्सपीरियंस है इनको कि मतलब आपको इंडिविजुअली आपकी क्या कमियां हैं या क्या आपने अच्छाइयां हैं, दोनों तरफ से बैलेंस करके आपकी कमियों को दूर करने के लिए बिल्कुल सीधा सिंपल एक उपाय बताते हैं और आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपको मतलब एज ए घोल के चम्मच में नहीं पिला देते कुछ भी, हाँ आपके अंदर एक समझ को डेवलप करते हैं कि हाँ आप समझे कि एक्टिंग क्या चीज है। और इसके अलावा और भी बाहर से फैकल्टीज आती हैं जो कि बहुत चुन के लेके आते हैं सब लोग, और यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, निगेटिविटी सर आने नहीं देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया एक्चुअली एक्टिंग है क्या। एक्टिंग के भी एराज हैं कि पहले कुछ और एक्टिंग होती थी उसको क्या कहते हैं, अभी जो एक्सपीरियंशियल एक्टिंग हो रही है उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा इस कोर्स में ये बताते हैं और एक सही गाइडलाइन देते हैं। 5 महीने में जो इन्होंने बताया कि 5 महीने में कोई भी आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता है, लेकिन आपके अंदर ऐसी चीज़ें डेवलप कर देते हैं जिससे आप समझ सके कि हाँ एक्टिंग है क्या, इसको और कैसे ग्रो किया सकता है या अपने आप को कैसे उसमें और बढ़ाया जा सकता है। ये समझ डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी का ही काम है। इतना एक्सपीरियंस है लोगों को कि आपके अंदर की चीजों को ये पहचान लेते हैं और फिर उसी हिसाब से आपके ऊपर इंडिविजुअली ये वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी मतलब छोड़ दिया दूसरे के हाथों में जैसा कि और इंस्टीट्यूट में होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस मुझे यही कहना है। Actors.